लोकसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी हो या फिर विपक्ष, हर कोई चुनावी मोड में नजर आ रहा है। बीते 55 दिन से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने चुनाव से ठीक पहले युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवाओं के लिए 5 गारंटी का ऐलान किया है। राजस्थान के बांसवाड़ा में राहुल गांधी ने युवा वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए 30 लाख सरकारी नौकरी, पेपर लीक से मुक्ति सहित 5 गारंटी देते हुए बड़े ऐलान किए। दम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। दूसरा ऐतिहासिक काम, हम मनरेगा प्रोग्राम लाए थे, रोजगार का अधिकार, लाखों लोगों को फायदा हुआ, अधिकार दिया हमने। वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं, और ये अधिकार हर ग्रेजुएट, हर डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। राहुल गांधी ने युवाओं के इस मैनिफेस्टो को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया है। अपने इस मैनिफेस्टो को कांग्रेस ने युवा न्याय गारंटी का नाम दिया है। कांग्रेस ने हर डिग्री और डिप्लोमा धारक को 1 लाख प्रतिवर्ष स्टाइपेंड के साथ अप्रेंटिसशिप और 5,000 करोड़ के राष्ट्रीय कोष से जिला स्तर पर युवाओं को स्टार्टअप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनाने की गारंटी दी है। साथ ही राहुल गांधी ने युवाओं का ध्यान कांग्रेस की ओर खींचने के लिए 30 लाख सरकारी नौकरी में भर्ती का ऐलान किया है। पेपर लीक से मुक्ति से लेकर किसानों के लिए MSP तक राहुल ने बड़े ऐलान किए। चुनाव से पहले राहुल गांधी की घोषणाएं बता रही हैं कि कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। आज कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा गुजरात में एंट्री कर गई है। यहां राहुल 400 किलोमीटर की यात्रा में 6 जनसभा और 27 नुक्कड़ सभाएं करेंगे। लेकिन राहुल की न्याय यात्रा से पहले गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष समेत कई पूर्व विधायकों ने हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम लिया। राहुल गांधी की यात्रा जिस राज्य में एंट्री करने वाली होती है, ठीक उससे पहले कांग्रेस पार्टी का कोई न कोई नेता हाथ का साथ छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। महाराष्ट्र, UP इसके ताजा उदाहरण हैं। वहीं विपक्ष में कांग्रेस की तरफ से जहां राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के जरिए जनता से संवाद कर रहे हैं। तो वहीं इन सब के बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी आज राजधानी दिल्ली से चुनावी बिगुल फूंका। CM अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनावी कैंपेन के लिए नया नारा दिया, संसद में केजरीवाल, दिल्ली होगी खुशहाल। CM केजरीवाल ने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि आप हमारे 7 सांसद जिता कर दो, मैं और 7 सांसद आपकी आवाज बनेंगे। व्यापारियों को इतनी तकलीफें हुई हैं पिछले 10 साल में, एक बार नोटबंदी आ गई, एक बार GST आ गई, एक बार वो हीरे के व्यापारियों के ऊपर कुछ इन्होंने लगाया था, कितनी बार व्यापारियों, कभी दिल्ली के एक भी सांसद ने आपकी आवाज उठाई? व्यापारियों से मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के कभी एक भी सांसद ने आपकी आवाज उठाई? हिम्मत ही नहीं है किसी BJP के MP की, हिम्मत ही नहीं है जो आपकी आवाज उठा दे, तुरंत उसको 2 ऊपर से डंडा मारेंगे ये लोग कि खबरदार तूने जो BJP के खिलाफ बोला। मैं आपकी आवाज बनूंगा, हमारे 7 MP आपकी आवाज बनेंगे। दिल्ली के अंदर DDA है, हमारी चलती नहीं DDA पे, 7 MP दोगे तो आपकी आवाज उठाएंगे, DDA में आपके काम करा के लाएंगे। बहरहाल एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवार को लेकर विपक्ष के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष BJP के खिलाफ बेरोजगारी, महंगाई को लेकर सवालों की बौछार कर रहा है। देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन किसे अपना मत रूपी आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।